जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ नमस्कार। बोल के लब आजाद है तेरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर विदेश भ्रमण पर निकल गए और इस बार मुद्दा बेहद खास है क्योंकि उन्हें साउथ कोरिया में सियोल पीस प्राइज दिया जाने वाला है, शांति पुरस्कार। दरअसल हुआ यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व शांति में इतना जुट गए कि देश के अंदर शांति पर उनका ध्यान ही नहीं गया। दोस्तों, पुलवामा पर हमला हुआ, हमारे 40 जवान शहीद हुए, इंटेलिजेंस फेलियर के चलते शहीद हुए। मगर होता क्या है दोस्तों, कश्मीरी छात्रों पर देश भर में हमले शुरू हो जाते हैं। देहरादून में महिला छात्रों की जिंदगी नरक बना दी जाती है। होटल्स में इस तरह के संदेश दिए जाते हैं कि कश्मीरीज अलाउड नहीं हैं। यही नहीं दोस्तों, जो पत्रकार इस इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर सवाल करते हैं या इससे पहले भी जो मोदी सरकार से सवाल करते रहे हैं, उनके नंबर्स को सार्वजनिक करके उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है, उनके परिवार के सदस्यों को बलात्कार की धमकी दी जाती है और शालीनता की तमाम हदों को पार कर दिया जाता है। तो जैसे मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री विश्व शांति में इतना जुट गए कि उन्होंने अपने देश के अंदर शांति का जो मजाक हो रहा है उस पर ध्यान ही नहीं गया। क्योंकि मुझे कहने में थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं है कि मोदी के इंडिया में नफरत को जायज कर दिया गया है। आप गौर कीजिए, ये हैं एक राज्यपाल तथागत रॉय, इनके ट्वीट हैंडल पर गौर कीजिएगा, इनके संदेश पर गौर कीजिएगा। ये एक राज्यपाल होते हुए ये संदेश दे रहे हैं कि कश्मीरियों का बॉयकॉट करो, उनके प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करो, उनके गुड्स का बॉयकॉट करो, उनके दुकानों का बॉयकॉट करो। ये एक राज्यपाल हैं दोस्तों, और इन्होंने अपनी इस हरकत से साबित करने की कोशिश की है कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग नहीं है। देशद्रोह अगर कुछ है दोस्तों तो इस तथागत रॉय ने किया है। मगर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। क्या राष्ट्रपति राम कोविंद ने इस पर किसी तरह से उन्हें समन किया? नहीं किया। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, शांतिदूत तो आप बन गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मगर आपके देश के अंदर जिस तरह से नफरत को जायज करने की कोशिश की जा रही है, अपने ही देशवासियों पर हमला किया जा रहा है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जी हां, और फिर हम कहते हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। और दुख की बात यह है कि दोस्तों, हम यह भी नहीं सवाल कर रहे हैं कि आखिर कश्मीर में हालात इतने बिगड़ क्यों गए हैं। बहुत आसान है पत्थरबाजों को पर दोष मढ़ना कि पत्थरबाज जो है हमारे सैनिकों पर पत्थर मारते हैं, मगर आपको इस बात पर गौर करना होगा कि पिछले 4 साल में ऐसा हुआ क्या कि हालात इतने बदतर हो गए। क्योंकि पिछले 4 साल में पहले पीडीपी के साथ बीजेपी सत्ता में थी, उसके बाद राज्यपाल शासन था, यानी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सब कुछ था। मगर बीजेपी कर क्या रही थी? बेशक वो पीडीपी के साथ सत्ता में थी, मगर बावजूद इसके उसने कश्मीर का इस्तेमाल किया सियासी कारणों से। न्यूज चैनल्स के प्राइम टाइम में कश्मीर को गाली दी जाती रही, कश्मीरियों को गाली दी जाती रही। उसका परिणाम यह हुआ कि कश्मीर में हालात बद से बदतर हो गए, जो कि हमारे देश का हिस्सा है, हमारा अभिन्न अंग है। आप बताइए, अगर आपके मोहल्ले में रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन है, उसका प्रेसिडेंट है, और अगर वो आपके ही घर को टारगेट करे और आपके घर के आसपास कचड़ा कूड़ा डालता रहे, आपके घर में जो है वो अराजकता पैदा करे, तब आपको कैसा लगेगा? हम आखिर क्यों पाकिस्तान के हाथ में खेल रहे हैं कश्मीर के अंदर हालात को बद से बदतर करने? सिर्फ इसलिए क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी की सियासत को हमें आगे बढ़ाना है। ये हो रहा है पिछले 4 सालों में, और दोस्तों इसको लेकर आप में से कोई भी सवाल नहीं कर रहा है, क्योंकि बकौल जनरल वीके सिंह, कश्मीर का जो सबसे बेहतरीन हालात थे वो 2004 से 2013 के बीच में, ये खुद जनरल वीके सिंह जो कि अभी विदेश राज्य मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को कहा था। जी हां, सच तो यह है दोस्तों
कि इस नफरत भरे एजेंडे के दो एजेंट्स बन गए हैं, दो एजेंट्स बन गए हैं, पहला मीडिया और दूसरा खुद बीजेपी। क्योंकि बीजेपी आपकी और हमारी जिंदगी में इस नफरत को जायज करने की कोशिश कर रही है इन तमाम एजेंसीज के जरिए। यही वजह है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सियोल पीस प्राइज मिल रहा है, उन्हें शांति दूत का दर्जा मिल रहा है, तो वो अधूरा है अपने आप में। मैंने जब मीडिया कहा तो दोस्तों मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि कोबरा पोस्ट ने आज से कुछ दिनों पहले एक ऑपरेशन किया था जिसके अंदर न्यूज चैनल्स के अलग अलग लोग, उनके संपादक, उनके मार्केटिंग मैनेजर्स, ये तमाम लोग तैयार थे नफरत भरे एजेंडे को के प्रसारण के लिए। यानी कि ये कहा जा रहा था कि भाई हम बीजेपी से हैं और आप अपने चैनल्स पर ऐसी खबरें चलाइए जिससे समाज में हिंदू मुस्लिम हो, ये सब तैयार थे। मगर अब कोबरा पोस्ट लेकर आया है एक और एक्सपोजे, ऑपरेशन कर्राव के, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के अंदर कुछ लोग हैं जो लोग चंद पैसों के लिए, जिसमें ब्लैक मनी के लिए भी, काले धन के भी एवज में वो लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का काम करने को तैयार हैं। यानी कि बिकाऊ बॉलीवुड, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। हालांकि इसमें एक या दो ऐसे लोग थे जो कि आम आदमी पार्टी के लिए भी करने को तैयार थे या कांग्रेस के लिए भी, मगर अधिकतर जो हैं वो बीजेपी के लिए। अब गौर कीजिए महिमा चौधरी क्या कह रही हैं, जो कि इस ऑपरेशन में फंसी हैं। उनकी इस बात पर गौर कीजिएगा कि मैं तो किसी के लिए भी पैसे के लिए काम करने को तैयार हूं, मगर एक बात जिस पर आपको गौर करना होगा कि महिमा चौधरी कहती हैं कि बीजेपी के पास तो बहुत पैसे हैं, वो तो 1 करोड़ रुपए भी दे सकती है। यानी कि महिमा चौधरी इस बात की ओर इशारा कर रही है कि इस वक्त बॉलीवुड में जो लोग इस सरकार के पक्ष में बोलते हैं, क्या उन्हें भारतीय जनता पार्टी पैसे दे रही है? मैं खुद नहीं कह रहा हूं, महिमा चौधरी ये बात कह रही है। पहले आप सुनिए वो क्या कह रही है। बीजेपी तो कुछ भी दे सकता है, 1 करोड़ a month। आप अरे मैम थोड़ा सा थोड़ा काम है, झूठ बुलवा रहे हो, तारीफ करवा रहे हो, सस्ते हैं। दोस्तों उसके बाद गौर कीजिएगा विवेक ओबेरॉय, ये वो सज्जन है जो एक आने वाली फिल्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किरदार निभाने वाले हैं। ये वो सज्जन है जिन्होंने नोटबंदी को लेकर, जिसका मकसद था देश में काले धन का सफाया, उसको लेकर ये ब्रांड एम्बेसडर तक बन गए थे। बहुत तारीफ की थी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मगर इस ऑपरेशन में आप उन्हें सुन सकते हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें काला धन लेने से कोई गुरेज नहीं है। सुनिए महाशय को। तो फिर एंडोर्समेंट फी तो हम मंथली लेते नहीं है, तो आप मंथली कैसे दोगे? आपको दोनों चंक्स में मैनेज करना पड़ेगा। सुनिए ना सर, उसका एक सॉल्यूशन ये है कि जो आप हमारे बीच में एक्चुअल जो फीस होगी उसमें मोस्टली जो अमाउंट रहेगा वो उसमें रहेगा, लिक्विड में रहेगा। अच्छा ठीक है, एक पार्ट 10 या 20% वो आपका वाइट में रहेगा, तो वो 9 महीने का, जैसे आपने बोला 9 महीने का, तो वो वाइट पार्ट 9 महीने का आपको एडवांस में कर दिया जाएगा, और बाकी जो रहेगा लिक्विड पार्ट जो कैश में रहेगा वो पर मंथ एडवांस में आपको दे दिया जाएगा। अच्छा ठीक। अब गौर कीजिए राजू श्रीवास्तव पर, ये तो शायद बीजेपी की टिकट पर चुनाव भी लड़ लेंगे क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दिखाई दिए थे, इन्हें भी काले धन से कोई एवज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद किए रहते हैं, आखिर क्या वजह है कि इस तरह से ये लोग बातें कर रहे हैं? अमाउंट पर ट्वीट नहीं रखते हैं, अमाउंट ये अंदाजा हो गया कि इसी के आसपास रहेगा, जब ट्वीट की गिनती नहीं रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सीधा मंथली मंथली, तो मुझे लगता है 10 लाख रुपए एक कंपनी 10 लाख रुपए। अब गौर कीजिए इन पर, कोयना मित्रा इस स्टिंग ऑपरेशन में ये कह रही है कि मैंने तो अरविंद केजरीवाल का भी मजाक उड़ाया, राहुल गांधी का मजाक उड़ाया। यानी कि इससे पहले वो मजाक उड़ा रही थी और अब यहां उन्हें पैसे लेने से कोई गुरेज नहीं है। तो क्या ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कुछ ताकतें इससे पहले भी इन्हें पैसा दिया करती थी एक खास किस्म के पॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए? सुनिए कोयना मित्रा क्या कह रही है। कभी कभार उसको ह्यूमर के साथ लिखना है, कभी कभार मस्ती मजाक करके लिखना है, कभी कभार थोड़ा टीज करके, टॉन्ट करके लिखना है। जैसे मैंने कल भी लिखा था, थोड़ा टॉन्ट करके मैंने लिखा था, लोगों को पसंद आया। जैसे कि पप्पू फेल हो गए, केजरीवाल को मैंने थोड़ा ट्रोल किया था, केजरीवाल को मैंने थोड़ा ट्रोल करके लिखा था, उनका थोड़ा मजाक उड़ा के लिखा था,
पब्लिक को बहुत पसंद आया वो। और ये महाशय अभिजीत भट्टाचार्य, एक नंबर के गालीबाज, ये इतने बड़े गालीबाज हैं कि इनके ट्विटर हैंडल को रद्द कर दिया गया था दोस्तों। ये खुलेआम कह रहे हैं, बीजेपी के ये भी समर्थक हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि मैं तो गाली देने को तैयार हूं, आप बीप कर दीजिएगा, यानी कि उसे गाली को आप छुपा दीजिएगा बीप साउंड से। सुनिए। तो अगर सर आप ये कर सकते हैं, मतलब और बेस्ट है, इसलिए एक अलग ऑफर आपके लिए, अगर आप डायरेक्टली जो हमारे पोजिशन है उनको आप खदेड़ सकते हैं और उनका गाली दे सकते हैं, मतलब एक वो नहीं वल्गर नहीं, एक दूसरे फॉर्म बीप हो जाए, तो वो बीप हो जाती है ताकि बिल्कुल करूँगा, तो कोई इशू और कोई है ही नहीं करने वाला, नहीं करूँगा। दोस्तों आज मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूं, ये मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वक्त पत्रकारों का एक बहुत बड़ा धड़ा है जो ट्विटर पर या अपनी पत्रकारिता के जरिए इस सरकार के पक्ष में बोलते हैं और उसके एवज में उन्हें फायदा दिलाया जाता है। यह फायदा किसी भी तरीके से हो सकता है, वित्तीय फायदा हो सकता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, चैनल के अंदर आपका दर्जा बेहतर होता है, यह बात मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं और सब इस बात को समझते हैं, जो लोग ये फायदा उठा रहे हैं वो भी इस बात को समझते हैं। ऐसे कई एंकर्स हैं जो अब काम नहीं कर रहे हैं मगर उनको ये फंक्शन होस्ट करने के लिए या उस फंक्शन का संचालन करने के लिए बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं क्योंकि ये सरकार के पक्ष में बोलते हैं। एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा है, लिहाजा, और ये नेटवर्क जो काम कर रहा है वो न सिर्फ विपक्षी दलों को टारगेट करता है बल्कि समाज के हाशिए में जो दल हैं उन्हें भी टारगेट करता है। तो आज आपको सोचना होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शांतिदूत का दर्जा दिया जा रहा है तो क्या देश के अंदर शांति बनाए रखने को लेकर वो नाकाम तो साबित नहीं हुए हैं? क्या यह सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए? और जब यह सवाल उठाया जाता है तो आखिर आप मेरे जैसे पत्रकारों को टारगेट क्यों करते हैं? जी हां, तो बहुत अच्छा है, हम सब बहुत खुश हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शांतिदूत का दर्जा मिल गया है सियोल से, कोरिया से, मगर थोड़ा सा ध्यान देश की तरफ भी दें। तथागत रॉय हो गए या अनुपम खेर हो गए जो खुलेआम कह रहे हैं, लोगों को अपना गुस्सा जो है उसको एक्सप्रेस कीजिए, भड़काइए, इस तरह से जलाकर, इस तरह से अराजकता करके, इस तरह से अपने ही देशों के देश के लोगों को टारगेट करके, तो आपको दोस्तों इस बात पर गौर करना होगा। क्योंकि अगर आपने इस बात पे गौर नहीं किया ना दोस्तों, हम लोग एक ज्वालामुखी की हद पे बैठे हैं, हद पे बैठे हैं, और जब यह ज्वालामुखी फटेगा तो यह धर्म देखकर, जाति देखकर, आपकी आर्थिक हैसियत देखकर नहीं फटेगा, हम सब उसकी चपेट में होंगे, इस बात को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बोल के लब आजाद है तेरे।